पाकिस्तान की एक नकचड़ी पत्रकार है जो हमेशा भारत को कोसती रहती है, भारत को गुरियाती रहती है, भारत को हर एक मुद्दे पे भारत को घेरने की कोशिश करती है, अनाप शनाप आरोप लगाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और उस पत्रकार का नाम आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उसका नाम है फिजा खलीफा खान। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और बहुत सारे लोग इसको फिजा अकबर खान भी कहते हैं। पेशे से पत्रकार है लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर की डिग्री भी लगाती है और कभी कभी डॉक्टर के फर्जी नुस्खे भी देती रहती है ताकि लोगों को शक ना हो कि ये डॉक्टर नहीं है। वो बात आपको बताने जा रही है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, मेरे घर से तमाम लोग मुंतजर हैं कि आखिर रंग गोरा करने के लिए हम क्या करें अदर देन क्रीम। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जिसका नाम सुनते ही हर बंदा घबरा जाता है। एक घर में चीज आपको वाफर मकदार में मिलती है जिसको कहा जाता है लहसुन, इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। पका हुआ लहसुन और अदरक 20% रिजल्ट्स देगा, जबकि आप रॉ फॉर्म में खाएंगे कच्चा खाएंगे तो 100% देगा। सी द डिफरेंस, ऑलमोस्ट 80%। तो अब आपने करना ये कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो नहीं भी हैं वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें ताकि उनको कैंसर हो ही ना। अब इसको डॉक्टर की डिग्री कैसे मिली ये बात सबको पता है। मैंने तो ये तक भी सुना है कि इनके प्रोफेसर के साथ में इनकी छैया चल रही थी, इसके लिए इनको मिल गई डिग्री। बाकी आप समझदार है। तो ये बंदी ना तो रात देखती है, ना दिन देखती है, ना सुबह देखती है, ना शाम देखती है। इस बंदी के पास सिर्फ एक ही काम है, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, मोदी, भारत, भारत, भारत मोदी, भारत, 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 भारत मोदी, भारत, भारत मोदी, भारत, भारत मोदी, भारत, 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 और अब भारत के भारत, भारत, भारत के रॉ, भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया, इंडिया भारत, पर भारत मोदी यानी भारत रॉ, भारत ही हो। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना। भारत और मोदी करने के बाद में इसके फेवरेट टॉपिक होते हैं कश्मीर और भारतीय मुसलमान। इस नरेंद्र मोदी ने, इनकी भारतीय सेना ने, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट ने रियाज नायको, बुरहान वानी, इस तरह की आजादी के रखवालों को शहीद किया के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। और ये बंदी एक आरोप भारत पे लगाती लगाती, चाहे उसमें भारत इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन इस बंदी ने नेशनल टीवी में बैठकर पूरी दुनिया के सामने चिपका देना कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ में जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उनको तंग किया जाता है, उनकी हवा तंग कर दी गई है, उनको दम घुटता है, उनको खाने को नहीं है, उनको पीने को नहीं है, उनको दबा के रखा जाता है। मतलब जितने भी प्रकार के विक्टिम कार्ड होते हैं एक मुसलमान के नाम पे, ये बंदी खेल जाती है। नज़र भारत का सबसे बड़ा कसाब मोदी, जो पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तानियों मेरे साथ टिड्डी बिरयानी खाने वाले पाकिस्तानी चप्पल जोर बात करते करते फूटते रहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं मैं और मेरे दोस्त किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। आप यहाँ गेम खेल सकते हैं, यहाँ बेट भी लगा सकते हैं। 1xBet सबसे विश्वसनीय साइट है और ऐप है जिसमें आप ईमानदारी से पैसे जीत सकते हैं। 1xBet के अंदर आपको सिर्फ अनुमान लगाना और इसमें बेट लगा के आप बहुत सारे पैसे जीत सकते हैं अगर आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हो या किसी भी गेम के, क्योंकि इस ऐप के अंदर बहुत सारे गेम्स हैं। और एशिया कप में भी बहुत सारे लोगों ने इस ऐप के अंदर बेट लगाए और बहुत सारे पैसे जीते। पूरी दुनिया में जो टीमें टेस्ट मैच खेलती है आप उनके ऊपर बेट लगा के पैसे जीत सकते हैं। ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, टेस्ट मैच का अपना ही मजा है। एशिया कप के भी सेमीफाइनल, सुपर फोर और फाइनल के अंदर भी बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने बेट लगाई थी और बहुत पैसा जीता था। आप यकीन भी नहीं करेंगे इतने लोगों ने पैसा कमाया था। और भारतीय टीम तो कभी निराश करती नहीं है, पाकिस्तान की पहलाई तो कर ही दी थी एक बार। मुझे पूरा यकीन है आने वाले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और 1xBet निराश नहीं करेंगे, वर्ल्ड कप घर लेके आएंगे। मेरे सब्सक्राइबर यानी आपके लिए एक प्रोमो कोड है, इस प्रोमो कोड का यूज करके आप पहली जमा राशि को 26,000 तक दुगना कर पाएंगे, है ना अच्छी बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब आपने पैसा जीत लिया है तो आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे लाएंगे, तो इसके लिए भी पूरा एक्सेस मिलता है आपको किसी भी बैंक के अंदर। UPI, पेटीएम, फोनपे, किसी भी तरीके से आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं और अपनी जीती हुई सारी राशि को निकाल सकते हैं। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, इस ऐप को डाउनलोड करना और इसके साइट पे जाना है। और एक गुड न्यूज, अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपको बहुत सारे नगद पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आप भाग्य का इंतजार मत कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और आज ही और अभी इसे डाउनलोड कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुभकामना में देरी किस बात की, शुरू हो जाइए। और चीख चीख के पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करती है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान 24 घंटे खड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की आवाम भी कम नहीं है, पाकिस्तान की आवाम भी यही कहती है कि इंडिया में मुसलमान महफूज नहीं है, इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। देखे मोदी कितने जुल्म करवाता है, किधर जुल्म करवाता है, आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर
कौन है ये लोग? अब मैं इन पाकिस्तान की आवाम से और डॉक्टर फिजा खलीफा से और पूरे पाकिस्तान से ये पूछना चाहता हूँ, भारत का एक मुसलमान शोएब चितुर, भारत के एक मुसलमान ने अपने अल्लाह के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाने के लिए भारत से सऊदी अरब जाने का फैसला किया, वो भी पैदल। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ये करने वाला पहला हिंदुस्तानी था। क्योंकि ये बंदा पैदल जा रहा, तो पैदल जाने के लिए इसको पाकिस्तान का रास्ता चाहिए ही चाहिए। तो इस बंदे ने पाकिस्तान की एम्बेसी के साथ संपर्क किया, तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा कि अभी तुम केरला से हो, जब तक तुम बाघा बॉर्डर पे आओगे तो बाघा बॉर्डर पे आने के बाद में आपको वीजा दे दिया जाएगा। अगर हमने आपको अभी वीजा दे दिया तो बाघा बॉर्डर तक पहुंचने तक आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बंदा आज से 15 दिन पहले बाघा बॉर्डर पे पहुंच गया और कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तानी एम्बेसी ने इन बंदे को 15 दिन से बॉर्डर पर बिठा रखा है और वीजा देने से साफ इनकार कर दिया, कि बोला कि हमारे सिक्योरिटी अलर्ट है। एक इंडियन मुसलमान से पूरा पाकिस्तान डर गया। सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहां के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा आज के ऊपर पैदल। इंडिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वो क्यों कर रहे हैं? खबर ये है कि एक बंदा शिहाब चुतर के नाम से पैदल हज के लिए जा रहा है, जिसको पाकिस्तान का वीज़ा दरकार था, पाकिस्तान से उसने गुजरना था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने उसको वीज़ा जारी नहीं किया। और हमारी ही कई ऐसे बच्चे जो मजदूर हैं, जो इंडिया से जाकर इलाज करते हैं, वो हमें वीज़ा भी जारी करते हैं और हमारे लोगों को इलाज की सहूलियात भी फराहम करते हैं। एक पैदल मुसलमान के लिए वीजा, जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है, तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते? तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं? अफसोस है जो इस्लाम का नाम लेके वहां की हुकूमत बार बार कहती है कि हम इस्लाम का नाम लेके हुकूमत चला रहे हैं। इनके दिलों के अंदर खोट भरा हुआ है। अगर भारत के खिलाफ कोई बात करनी हो, अभी पाकिस्तान का सारा मीडिया चिल्लाने लगेगा। आज 15 दिन हो गए शहाब चुतुर को आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, 15 दिन हो गए एक जगह पर रुके हुए। पाकिस्तान का जो खरीदार मीडिया वो भी चुप है, बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमारा जो हाई कमिश्नर है वो बदमाशी कर रहा है एक मुसलमान के साथ। तो ये तो पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, असली आईना है, और जो मुसलमानों के प्रति ये झूठा प्रेम दिखाता है पाकिस्तान, वो तार तार हो गया है, वो दुनिया के सामने आ गया है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी इन पाकिस्तानियों को जी भर के गालियां दे रहा है, जी भर के। और आज हिंदुस्तान का मुसलमान भी समझ गया होगा कि पाकिस्तान के मुसलमान और पाकिस्तानी लोग कभी भी हिंदुस्तान के ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के सगे नहीं हो सकते। अब मैं उन हिंदुस्तानी मुसलमानों को बोलना चाहूंगा जो यदा कदा कभी कभार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान हमारा असली मुल्क है, तो भैया थोड़ी सी शर्म कर लो तुम। तुम्हारे पाकिस्तान ने एक हज यात्रा पे जाने वाले बंदे को वीजा तक नहीं दे रहा, वो भी अकेले बंदे से डर गया पूरा पाकिस्तान। ये ताकत है एक हिंदुस्तानी मुसलमान की, और तुम लगाते हो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और सीरियसली मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो मैं खुद भी दिल से ये चाहता हूँ कि ये बंदा वहां पर पहुंचे, सऊदी अरब पहुंचे, सही सलामत पहुंचे और पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करे। क्योंकि भारत से ऐसा करने वाला आज तक एक भी बंदा नहीं हुआ है। 75 साल हो गए देश की आजादी में, किसी भी मुसलमान में उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं हज यात्रा तक पैदल जाऊंगा। अब वो वहाँ क्या लेने जा रहा, वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। It's damn true. वीडियो आपने देख लिया, आप लोगों के जो विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से आ जाने चाहिए और पाकिस्तान की पहलाई करते हुए आना चाहिए भैया। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।